Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Viti Club. If you are new to my channel, I am Megha and I try and create home decor on a budget. So I am back with another DIY. आज के वीडियो में बताऊंगी एक अमेजिंग सा वॉल डेकोर यूजिंग वेस्ट मटेरियल. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं बनाने जा रही हूँ एक काउ हेड. उसके लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे सर्फ एक्सल की एम्प्टी बॉटल एंड इस तरीके से मैं रैपर निकाल के इसको अच्छे से क्लीन करके साइड में रख दूंगी. सो सबसे पहले बनाऊंगी मैं यहाँ पर काउ के सिंग एंड सिंग के लिए ले रही हूँ मैं ये पेपर शीट. उसको मैं इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट करने के बाद ऐसा कोन वाला शेप देकर अच्छे से मास्किंग टेप से सिक्योर कर लूँगी. सिंक का जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. मुझे लंबे और स्ट्रेट सिंक चाहिए थे इसलिए मैं ये शेप दे रही हूँ. आपको अगर कर्वी चाहिए तो आप थोड़ा सा फोल्ड करके उसको वैसे भी कर सकते हैं. अभी जितना भी एक्स्ट्रा शीट निकल रहा है इसे मैं कट कर लूँगी. एंड एक बार मैं सिंक को इस तरीके से बॉटल पे रख के देखूंगी कि जो सरफेस है वो इवनली है या नहीं. एंड इसी तरह मेरे दोनों सिंक रेडी हैं. अब मैंने साइड में रख दूंगी. अगेन आई एम टेकिंग द सेम शीट एंड यहाँ पर मैं बनाऊंगी काउ के जो कान होते हैं वो. इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ करने के बाद मैं कट कर लूंगी. एंड कट करने के लिए मैं सीजर का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो पेपर शीट है वो बहुत पतली है. अगर थिक कार्डबोर्ड होता तो मैं कटर का यूज़ करती ताकि जो एजेस हैं वो फोल्ड ना हो. एंड इसी तरीके से काउ के जो दो कान हैं वो भी बनकर रेडी है. अब मैं कान में जो कर्व होता है वो क्रिएट करने के लिए इस तरीके से बीच में कट लगा के और मास्किंग टेप से स्टिक कर दूंगी जिससे जो कर्व होता है वो दिखाई दे. और यहाँ पर दोनों कान एकदम कंप्लीट होते हैं. अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वॉल पुट्टी प्लस वाटर का एक पेस्ट. कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि मैंने कैसी ली है. और मैं एक ब्रश की हेल्प से इस तरीके से कान पर और जो सींग है इन पर ये अप्लाई कर लूँगी. एंड पहला कोट अप्लाई करने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी और मैं ड्राई होने के लिए एटलीस्ट 7 to 8 hours का गैप रखूंगी. उसके बाद मैं इस पर सेकेंड कोट अप्लाई करूंगी. सो ऐसे मैं कम से कम इस पर 4 to 5 जो कोट है अप्लाई करूंगी थिकनेस के लिए. अब मैं ले रही हूँ ये बॉटल एंड मार्क मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया है और इसे मैं कट कर लूँगी. बॉटल को कट करने के बाद जो है मैं उसे पैक करूंगी और पैक करने के लिए मैं ले रही हूँ ये कार्डबोर्ड का पीस. एंड इसे इस तरीके से कट करने के बाद मास्किंग टेप से मैं सिक्योर कर लूंगी अच्छे से क्योंकि मुझे जो है वो काऊ का आगे का जो फेस होता है वो क्रिएट करना है. सो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको पैक करना ज़रूरी है. सो बेस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये न्यूज़पेपर. आप चाहें तो सिल्वर फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं. अब इन दोनों पेपर को इस तरीके से रख कर मैं मास्किंग टेप से स्टिक कर लूंगी. सो काउ का जो फेस है उसका बेस जो है वो रेडी है. अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये वॉल पुट्टी डो एंड इस तरीके से मैं रोल आउट करके इसे जो मैंने बेस बनाया है इस पर कवर कर लूंगी. इसे आपको अच्छे से कवर करना है एंड जहाँ पे थोड़ा थोड़ा छूट गया है वहाँ पे और थोड़ा सा ये वॉल पुट्टी का डो हाथ में यूं ही लेते जाए और बस यहाँ पे स्टिक करते जाए. मैं इसे अच्छे से कवर कर लूँगी. कहीं से भी कुछ छूटना नहीं चाहिए. जब ये पूरा कवर हो जाएगा उसके बाद वाटर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्मूथ कर लूँगी. सो फाइनली मुझे जो लुक चाहिए था वो क्रिएट हो गया है. अब मैं जो काउ के नॉस्ट्रल्स होते हैं वो क्रिएट करूँगी. सो बिफोर क्रिएटिंग नॉस्ट्रल्स लुक मैं यहाँ पे सबसे पहले ये क्ले टूल ले रही हूँ एंड इसे मैंने थोड़ा सा ऑयल में डिप किया है जिससे फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए और ये जो टूल है स्टिकी भी ना हो. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिनिश लुक है वो बहुत अच्छा आया है. अब मैं यहाँ पे काऊ की आइज बनाऊंगी एंड मुझे है ना 3D लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आइज बना रही हूँ. साथ ही साथ मैंने ना काऊ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा है. मैंने उसका थोड़ा सा 3D लुक क्रिएट करने के लिए जैसे ये वाला एरिया आप देख रहे हैं मैंने क्रिएट किया है इसके ऊपर. बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है इसके लिए मैं इसको हटा दूंगी और मैं सिर्फ आइज रखूंगी. सो पहले तो आइज को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है. उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसे स्टिक कर रही हूँ. तो स्टिक करने के लिए मैंने सेम पेस्ट भी अप्लाई किया है और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर फेविकॉल से और स्टिक कर रही हूँ सिक्योर करने के लिए. अब इसी के साथ मैं यहाँ पर
कान भी लगा दूंगी। तो कान के लिए मैं यहाँ पर ये नाइफ़ को मैंने थोड़ा गर्म किया है और इस तरीके से कट लगा लिया है, एंड कान को भी मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है सैंड पेपर से। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये हॉट ग्लू गन, एंड पहले तो मैं कान को इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर लूँगी, एंड उसको और सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन से इसको स्टिक कर दूँगी, जिससे क्या होगा कि जब मुझे आगे जाके इसको क्ले से फिक्स करना रहेगा तो ये अच्छे से स्टर्डी हो जाएगा और ये हिलेगा डुलेगा नहीं और टूटेगा भी नहीं। आपको बहुत ही केयरफुली सारे एलिमेंट्स ऐड करने होंगे क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो है वो बहुत डेलिकेट हैं। सो इसी तरह मैं दूसरे कान को भी फिक्स कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कान लगने के बाद लुक कैसा आ रहा है। एंड कान लगने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैं यहाँ पर काउ के सिंग ऐड करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पर ग्लूगन का ही यूज़ कर रही हूँ। ग्लूगन यूज़ करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इंस्टेंट स्टिक हो जाता है और मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काउ के सिंग जो है मैंने बहुत लंबे लंबे रखे हैं, सो इसको इजी वे में मैनेज करने के लिए ग्लूगन बेस्ट है। टेम्पररीली आप इसको इससे स्टिक कर लीजिए, एंड उसके बाद आप इसको परमानेंटली फिक्स करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये वॉल पुट्टी का डो अगेन लिया है और इसको अच्छे से सिक्योर कर लूँगी एंड पूरी तरीके से इसको कवर कर लूँगी। अब वाटर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। नाउ सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैं जो कान है उसे भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देने के लिए वॉल पुट्टी से अच्छे से स्टिक कर लूँगी। अब काउ के फेस को एक अच्छा सा फिनिश देने के लिए मैं यहाँ पर ये वॉल पुट्टी ऐड कर रही हूँ, एंड वाटर की हेल्प से एक अच्छा सा जो फिनिश लुक है वो क्रिएट कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये एयर ड्राई क्ले, एंड मैं बनाऊँगी कुछ इससे एलिमेंट्स क्योंकि आगे जाके मुझे अपनी जो काउ है उसको डेकोरेट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एयर ड्राई क्ले यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरीके से क्ले टूल्स नहीं है तो आप नाइफ़ और कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ये एयर ड्राई क्ले की जगह वॉल पुट्टी से ही सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ वाटर से आप इसे स्मूथ भी करते जाए जिससे फिनिशिंग जो है अच्छी आए। नाउ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स आर रेडी, जस्ट मेक श्योर कि ये ड्राई ना हो और आपको फटाफट इसको जो है स्टिक करना है। सो वन बाय वन मैं यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर स्टिक करते जाऊँगी, एंड स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर सेम वही फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ। अगर इस तरीके से एलिमेंट्स ऐड करते समय अगर थोड़े से क्रैक्स आते हैं साइड से या कहीं पे भी क्रैक्स आते हैं तो आप हाथ के साथ ही वाटर से इसको स्मूथ करते जाएं, जिससे ड्राई होने के बाद क्रैक्स जो है नहीं आएंगे। अब आप देखते जाइए कि सारे एलिमेंट्स को मैं कैसे स्टिक करती हूँ, एंड वीडियो को आप जो है इंजॉय करते जाइए। अब सारे एलिमेंट्स ऐड करने के बाद मैं इसे 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पर जो बेस है वो एक्रिलिक कलर ही रखूँगी, अगर आप चाहें तो इस पे जेसो अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ कलर्स यूज़ कर रही हूँ। सो पहले तो मैं पूरी काउ को वाइट कलर से कलर कर लूँगी, एंड उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये अच्छे से कलर हो गया है, अब मैं इसे ड्राई कर लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गई है। बैक साइड से मैंने थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे होल करना है हैंग करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लैक एक्रेलिक कलर, एंड इसे मैं फेस एंड आईज पे अप्लाई कर लूँगी। सो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये डार्क पिंक कलर, एंड इसके बाद मैं लूँगी ऑरेंज कलर, एंड दोनों को मिक्स एंड मैच करते हुए मैं एक अच्छा सा शेड जो है क्रिएट करूँगी। ये जो शेड है मैंने डार्क पिंक एंड ऑरेंज को मिक्स करके क्रिएट किया है।
सिंक पर मैं सिर्फ डार्क पिंक अप्लाई करूंगी। कलर होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अब मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग करूंगी एंड उसके लिए भी मैं यहाँ पर सिर्फ डार्क पिंक कलर यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दूंगी। सिंक को थोड़ा सा और डेकोरेटिव लुक देने के लिए मैं यहाँ पर ये येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर 3D आउटलाइनर्स का यूज करूंगी। डिटेलिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए पूरे एक दिन के लिए एज इट इज़ छोड़ दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं इस पर वॉर्निश का जो एक कोट है अप्लाई करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट मैं इसे लॉन्ग रन के लिए इसको रखना चाहती हूँ, सो मैं इस पर वॉर्निश का जो कोट है वो अप्लाई कर रही हूँ। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये डिटेलिंग पार्ट, ये सब कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं एंड आप अपने व्यूज़ एंड थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। एंड इसी तरह बातों ही बातों में मेरा ये वाला प्रोजेक्ट भी बनके एकदम रेडी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यस देन हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आपको मेरे DIYs पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।